हेलो स्टूडेंट, तो आज हम चलेंगे सांख्यिकी। क्या चलेंगे? सांख्यिकी में आज हम सांख्यिकी कौन सी सांख्यिकी में चलेंगे माध्य। देखिए, ये सांख्यिकी में जो है एक होता है माध्य, एक होता है माध्यिकता माध्यिका, एक होता है बहुलक। ठीक है, तो हम ये पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, आज हमको ये पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? माध्य। ठीक है, क्या पढ़ाना है? माध्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मीन। तो आज हम इसको देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें, ये जो माध्य है, माध्य में निम्न साधारणतः तो लिख देते हैं, साधारणतः तो चार सारणी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, माध्य में जो है साधारणतः तो चार सारणी होते हैं। अब कौन कौन सा सारणी होते हैं ये भी हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। देखिए, ये माध्य में चार सारणी होते हैं। एक का नाम है आपको वर्ग अंतराल, दूसरा का नाम है बारंबारता, तीसरा का नाम है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं, या वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम x से इंडिकेट करेंगे, इसको हम f से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और चौथा सारणी यही f और x को गुणा करना है, यानी f गुणे एक्स, ये होता है। ये आपका जो है चार सारणी होते हैं, जिसमें से हम इसको जोड़ेंगे, ये सिग्मा एफ एक्स हो गया, और इसको जोड़ेंगे ये हो गया आपका सिग्मा एफ। ठीक है, जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए, तो इसको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स को जोड़ रहे हैं ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसीलिए माध्य का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये हो गया, तीन चार सारणियों को बनाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, इसका हिंदी में दूसरा यदि फार्मूला होता है, एगो होता है माध्य बराबर, लिखिए सभी परीक्षणों का योग बाय परीक्षणों की संख्या, ये होता है। ठीक, तो ये सवाल भी आपको बन जाएगा। देखिए, हालांकि जो है ज़्यादातर ये प्रश्न रहेगा आपको इस टाइप से। ठीक है, वर्ग अंतराल, मैंने वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा, वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा। तो चलिए, देखिए, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ होगा, तो हम एक प्रश्न लेते हैं, हम आपको एक प्रश्न लेते हैं, आपको एक प्रश्न ले रहे हैं 10 का। किसका? 10 का एक प्रश्न ले रहे हैं। अपना बुक से देख लीजिएगा बउआ, कोमल देख लेना बाबू, अपना बुक से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसे वर्ग अंतराल दिया होगा, ये हम बता देते हैं, ये डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ है जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स में आता है, आज हम इसी मैथ से बता रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, ठीक है, आपको दिया होगा वर्ग अंतराल, वरी वर्ग दिया होगा, इस टाइप से आपका प्रश्न दिया है, वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, और एक बारंबारता, माने दो कॉलम बाबूरे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 से 20 का अंतर है, देख लीजिएगा, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से 100, 100 से 120, ये आपको दिया हुआ है, 120 है ये। अगर राइटिंग समझ में नहीं आवे तो हम जो बोल रहे हैं ना उनको सुन के समझ जाना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया बारंबारता में, बोलो कोमल, बोलो बाबू, बोलो 5, 8, x और 12, 7, 8, 12, 7 और 8। ठीक है ना,
तो ये हो गया आपको दो सारणी। अब ये सारणी मान लो हम सीधा में लिखे हैं, ये ऐसे सोया हुआ है तुम्हारे बुक में, तो इसको सीधा कर दीजिए, सोया हुआ को उठा दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं, जब ये वर्ग अंतराल आपको दिखे तो समझ लीजिए, ये माइंड में सेट कर लीजिए जो चार सारणी बनाए, दो सारणी पहले से दिया हुआ है और दो सारणी हमको ऐड करना है। जब ये वर्ग अंतराल आपको दिखे, माने इस टाइप से इसको वर्ग अंतराल कहा जाता है, जब ये आपको दिखे आप आँख मुन के जो है डायरेक्ट जो है चार सारणी को आपको बना लेना है। बना लिया, अब देखिए तो एगो सारणी को ना, दो सारणी तो है ये है, एक सारणी है आपका बाबू रे एक्स, एक सारणी हो गया तुम्हारा एफ और एक्स, माने एफ गुणे एक्स, माने ये बारंबारता को हम क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं ना, मध्य बिंदु को एक्स बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले इनको तो जोड़ना है, वो इसको जोड़ना है और एक इसको जोड़ना है। देखिए सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, ये हो गया आपको सिग्मा एफ और ये सिग्मा एफ एक्स, माने सिग्मा एफ एक्स को जोड़ रहे हैं इसीलिए, सिग्मा एफ को जोड़ रहे हैं इसीलिए, एफ को जोड़ रहे हैं इसलिए सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, ठीक है बाबू रे, ठीक। तो 10 का 1% बना रहे हैं। अब इसको देखिए बुआ, ये बारंबारता में सबको जोड़ा था, 0 और 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20, 20 का आधा, 20 का आधा, यहाँ x निकालने के लिए याद रखिएगा l प्लस यू बाय 2, माने हम दोनों को जो बारंबारता को जोड़कर दूसरे भागा देना है। तो ये जोड़ के जोड़ेंगे तो 20, 20 में 10 दूसरे भागा देंगे तो 10, 10 20 का अंतर है, जोड़ दीजिए 30, 30 20 50, 50 और 20 70, 70 20 90, 90 और 20 110, गुना कीजिए 10 पचे 50, इसको 30 को 240, 50 को 50 एक्स, 70 12 सत्तर 84 840 9 सत्ते 63, ठीक है, और 11 अठे 88। एक बात बताओ बउआ, इसको जोड़िएगा बाबू रे, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 40 प्लस एक्स, कितना 40 प्लस एक्स आएगा, इसको जोड़िएगा तो। अब इसको जोड़िए तो इसको जोड़िएगा तो आएगा 2640 प्लस 50x, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, पहले से ही बताते आ रहे हैं, जो कभी भी बारंबारता माने एफ वाले जो है कॉलम में अगर कोई भी चीज़ मिसिंग रहेगा, कोई भी मिसिंग रहेगा तो इसका मतलब रहेगा उसके बदला में कुछ ना कुछ दे देगा। तो आपको दे दिया है इसीलिए माध दे दिया है, आपको माध दिया हुआ है किताब में, देखिएगा बाबू आपको किताब में दे दिया है, माध्य का वैल्यू दे दिया है, माध्य का वैल्यू आपका, माध्य का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है माध्य का वैल्यू आपको, माध्य 62.8 दे दिया है, कितना दिया है 62.8 दिया हुआ है, देखिएगा मिला लीजिएगा। इसीलिए माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, इसके जगह पर बैठा दीजिए, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ इजकल टू 62.8। देखिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2640 प्लस 50x, इसका है 40 प्लस एक्स इक्वल टू 62.8। अब इसको क्रॉस द मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे कीजिएगा, कर दीजिए 40 प्लस एक्स को कीजिए किससे, 62.8 से, और बराबर हो गया 2640 प्लस 50x, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए तो 2512 आएगा, कितना आएगा, इसको आएगा 2512 प्लस 62.8x आएगा बराबर 2640 प्लस 50x। चलिए इसको ले आइए 62.8x के पास ले आइए 50x को, अब बराबर 2640 के पास ले आइए 2512 को, ठीक है। चलिए घटाइए, घटाने पे आपको घटाने पर कितना आएगा, 112.8x इजकल टू, इसको घटाइए तो बाबू रे, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 128, इसीलिए x बराबर 128 बाय इतना पॉइंट उड़ा दीजिए तो 10 ऊपर
ये कट जाएगा तो बराबर आपका आ गया 10 आंसर। कितना आ गया? 10 आंसर। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका 10, यहाँ पे x का वैल्यू 10 हो गया। अब देखिए, अगर ये नहीं दिया रहता तो सिंपली सी बात था, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ दोनों को बटा में दे देते हैं, आंसर आपका मिल जाता। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ देखिए स्टूडेंट, अब देखिए, अब आपका प्रश्न कुछ इस टाइप का रह सकता है। इसमें देखिए, बारंबारता माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए क्या साथी होता है आपका, जो है माध्य निकालने के लिए तीन सारणी, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यह यहाँ पर आपको 8 नंबर में क्वेश्चन नंबर 8 चेक कीजिएगा, इसमें 8 नंबर में दिया हुआ है एक्स और एफ दिया हुआ है। क्या दिया है? एक्स एफ एट। आप लोग को लगता हुआ सर पहले से तो बताए नहीं किए हैं, अब हम डायरेक्ट 8 और 10 बता रहे हैं, तो बउआ बता दे रहे हैं, किताब में आपको 1 2 दिया हुआ है। जब ये चीज़ जब आप समझ जाइएगा तो 1 खुद ही बना लीजिएगा चुटकी में। ठीक है, अभी बताएंगे तो आपको 1 कितना डिस्टर्ब करेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। सबसे इजी एक का ही प्रश्न है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बताएंगे तो पहले ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आपको x दिया है और f दिया है। x मतलब क्या? x का मतलब वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। f मतलब क्या? आपको बारंबारता दिया हुआ है ना। अब ये वर्ग अंतराल तो है नहीं, तो आपको 1 2 3 को सारणी तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो एक बात याद, बारंबारता में हम क्या बताएं, अगर बारंबारता में, अगर नोट में लिख देते हैं, नोट में यदि कोमल, अंशु, प्रीति, सिमरन, पूजा, अनु, मनु, सोनू मोनू, जो भी हो स्टूडेंट, और ये बात को नोट जरूर की लीजिए, कर लीजिएगा, यदि बारंबारता में कुछ भी मिसिंग हो तो इसके बदला माध्य का मान अवश्य दिया जाएगा। ये आपका जो है माध्य का जो है मान जरूर दे दिया जाएगा इसके बदले में। ठीक है ना, इसके बदले में आपको दे देगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको एफ दिया है और एक्स दिया है, ये तो नहीं दिया है, तो चलिए ये नहीं दिया है तो इसको कर दीजिए। 1 2 3 तीन वो चीज़ तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जब वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा तो 3 सारणी, तो लिखिए 3 सारणी कौन, एक एक्स, एक एफ, एगो एफ गुने एक्स। ठीक है, ये तो एक्स का कितना है लिखिए, 5 15 25 35 और 45। समझने की कोशिश कीजिए इसका। देखिए बारंबारता में 3 k फिर 3 फिर 6 इसके बाद 2। ठीक है, गुना कीजिए, 5 3 15, ये 15 k 25 3 75। ठीक है, 35 6 k 6 5 30 और 6 5 30 हासिल 30 के 0 हासिल 3 36 18 18 19 20 21 210, इसके बाद 45 2 90। इसको जोड़िएगा, यह आएगा आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया। ठीक है, और एफ को जोड़िएगा ना, ये हो गया आपको सिग्मा एफ। ठीक, तो इसको जोड़िएगा, देखिए 3 3 6 6 12 2 14, तो माने ये आपका हो गया 14 प्लस, हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं 14 प्लस एक्स, सॉरी एक्स नहीं है, के है, के मिसिंग है ना, के का मान निकालना है, लिखा है के का मान निकालिए। देखिए, देखते हैं ना, अगर यहाँ पर के मिसिंग है तो यहाँ पर देखते हैं ना, माध्य का वैल्यू दे दिया है, यदि बारंबारता में कुछ भी मिसिंग हो तो इसके बदला में माध्य का मान अवश्य दिया हुआ रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर के मिसिंग है तो यहाँ पर माध्य का मान दे दिया ना, सब में दिया रहेगा, सब में दिया रहेगा। ठीक है, अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िए 390, यानी यहाँ पे इसका जो है
इसका है 390 प्लस 15 के, ठीक है। जोर देख देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, देखिए माध्य का वैल्यू कितना दिया हुआ 25, बराबर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 390 प्लस 15 के इजकल टू, इसका 14 प्लस के क्रॉस द मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 25 को गुना कीजिए 14 प्लस के से, और ये 390 प्लस 15 के हो गया, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 14 पाँच 70 हासिल से आप 14 दुना 28, 28 29 30 31 32 33 34 340 14 पाँच 70 हासिल 7 और 14 दुना 28, 28 29 30 31 32 33 34 35 350 आएगा, ठीक है। प्लस 25 के इजकल टू 390 प्लस 15 के, ले आइए इधर, तो 25 के पास इधर लाइए 15 के को, और 390 के पास लाइए 350 को, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 के, और ये हो गया आपका 40, तो के बराबर हो गया 40 अपॉन 10, कितना से कटेगा 4 से, तो के का वैल्यू आपका निकल गया 4। तो ये आपका हो गया आंसर, या का चिन्ह ऐसे दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 आंसर इज द राइट आंसर। देखिए इस हिसाब से 8 का हम एक प्रश्न बनाए, कोमल बाबू कोशिश करना, जितना भी बॉयज एंड गर्ल्स हो सभी कोशिश करना। तो आपको देखिए 8 हम क्वेश्चन नंबर 8 हम बताएं, आंसर दिए ना हम, अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा, 10 तो बता दिया, और क्वेश्चन नंबर आपको 12 बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर आपको 13 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बना के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब रखते हैं, आगे का वीडियो में कल देखेंगे, ठीक। तो आप बना के रखिएगा, और रिप्लाई में ज़रूर बताइएगा जो हमको सर हम 8 बना लिए तो 9 बन जाएगा, 10 बन, 11 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 13 बन जाएगा, ठीक है। चलिए यही माध्य था, और आगे हम कल बताएंगे, कल हम बताएंगे 1 से शुरू करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।